बीजेपी के लोग तय करते हैं। 40 सीट वाले को पीएम मटेरियल योग्यता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं बिहार की, क्या दुर्दशा की है उन्होंने। आगे नहीं। तेजस्वी जी, पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी, एक सप्ताह का समय निकल चुका है, क्या उम्मीद है? नहीं, समय तो हम लोग कही थे प्रधानमंत्री जी, तो अब अपना काम करना है। बाकी हम लोगों ने अपना काम किया है, सारी चीजें जो है विस्तार से उनको बता दी गई है कि जाति जनगणना होगा तो क्या फायदे होंगे कास्ट सेंसस को लेकर। हम लोगों की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना है और अब प्रधानमंत्री जी और सरकार को तय करना है कि जाति जनगणना कराएं या ना कराएं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारा मन तो नहीं है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोहर लग गई कि वो पीएम के योग्य योग्यता है उनमें, पीएम मटेरियल हो गया नीतीश कुमार। बीजेपी के लोग तय कर 40 सीट वाले को पीएम मटेरियल योग्यता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं बिहार की, क्या दुर्दशा की है उन्होंने। अब दूसरी और तीसरी नंबर की पार्टी वो डिसाइड। लालू जी कैसे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने भी पूछा था आपसे, प्रधानमंत्री जी भी जानने से कोशिश की थी। विस्तार रूप से बता ही दीजिए, और अभी लालू जी के संसद में सुधार हो रहा है धीरे धीरे, और अभी तो आप देखे हुए कि कल जन्माष्टमी भी था, हमारी जो बहन रहती है उनके यहाँ मनाया गया, तो वहाँ भी वो गए। कब तक आने की उम्मीद है पटना? हमको लगता है जल्द से जल्द आ जाएंगे। मुजफ्फरपुर का शरद कुमार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पारा ओलंपिक में, क्या कहेंगे? बिहार के लोगों को बधाई देते हैं, लेकिन जान रहे हैं कि बिहार में पूरी तरीके से खेल जो है चौपट कर दी, बर्बाद हो चुका है। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का लोग जाए गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत करके आए, लेकिन बिहार में कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और सरकार जो है खेल कूद को लेकर के गंभीर है ही नहीं, और कोई दूरदृष्टि है ही नहीं। थैंक यू। मनी आया है आज की नहीं लगा भी करा था, छोड़िए जाने दीजिए।